नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्यों की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पूंछ में मनाई गई ईद उल फितर। मुस्लिम त्यौहार ईद उल फितर को रमजान के उपवास के अंत के रूप में मनाया जाता है। संवाददाता अमरजीत सिंह। चीजें आपको उलमा बताते हैं कि नमाज की क्या अहमियत है, संगत का नमाज की क्या अहमियत है, और जनाजे वाला नमाज ईद का क्या मकाम मरतबा है, या नमाज जनाजा की क्या हैसियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप सभी मीडिया हजरात को मैं मुबारकबाद देता हूं, वेलकम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाते हैं। जैसे कि आपने देखा ईदगाह पुंछ के अंदर आज हज़ारों की तादाद में सभी लोगों ने यहाँ बड़े शौक से आके ईद की नमाज अदा की, और हमारे इमाम व ख़तीब मुसबाई साहब के ज़रिया पुंछ में एक जिस मस्जिद जो सबसे बड़ी मस्जिद होगी और अल्लाह के फजल व करम से हिंदुस्तान की अहम मस्जिदों में वो एक मस्जिद होगी, उसके तामीर करने का अरादा और चंदा आज से शुरू हो गया है। और आप सभी लोगों के मीडिया हजरात के थ्रू मैं पुंछ के हर आदमी को, मजदूर से लेके डीसी तक, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं या छोटे हैं, सभी लोगों को एक दिन कि वो अपनी कमाई इस मस्जिद में हिस्सा डालें और ये एक मस्जिद बनेगी और पुंछ की एक तारीखी मस्जिद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ईदगाह जो पुंछ के अंदर है, इसमें लोगों ने बड़े शौक से, अकीदत से, मोहब्बत से हसबे मामूल नमाज ईद उल फितर अदा की है। गांव से, शहर से, समाजी, मजहबी और हर किस्म के लोग यहाँ पर आए हैं, और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर जो बड़ा पैगाम था आज, ये पैगाम था कि हमारे जो अवकाफ़ इस्लामी के जो है इसको समझो कि हमारे सारे निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो जामा मस्जिद हमें यहाँ पर चाहिए थी, अरसदराज से हमारे अवकाफ़ एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मोहम्मद चिश्ती साहब ने जो है ऐलान कर किया उलमा किराम के ज़रिए से कि यहाँ पर एक शानदार आलीशान मस्जिद जो तामीर की जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो है तमाम मस्जिद जो है खाली आप देखेंगे तो बिल्कुल पुर हैं, लेकिन तब भी लोगों को नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं मिलती है। तो ज़रूरत इस मस्जिद की थी बहुत अच्छे से, लेकिन आज ऐलान हुआ है और लोगों ने ताउन भी किया, शौक और खुशी का इजहार भी किया है कि एक अच्छी जो है ईद हमारे लिए है इंशाल्लाह ताला, जहाँ पर फ़लस्तीन के लोग परेशान, मरते कटते बिलकते तड़पते हैं, उनके लिए दुआ की गई है और मुल्क के अंदर सालमियत, अमन सुकून और भाईचारा ऐसे दस भी।